शालोम एवरीवन, आज हम लोग फैसलाबाद में हैं। 24th नाइट है, जिस तरह की आप देख रहे हैं मेरे पीछे होली रोजरी चर्च है, और इस चर्च में लोग मिडनाइट प्रेयर के लिए आए हैं। बहुत सारे लेडीज इस साइड से हैं, और वो जो आपको दूसरी साइड से नज़र आ रही है जेंट साइड है, और उस साइड पे सारे लोग जो जेंट्स हैं वहाँ से एंटर होंगे, और यहाँ से लेडीज एंटर होंगी। और अभी मैं आपको चर्च का बाहर का व्यू दिखाने के बाद अंदर का व्यू दिखाती हूँ, और आप देखिए कि इस वक्त मास शुरू हो चुकी है। आप मेरे साथ आइए, हम थोड़ा सा विजिट करते हैं। ये बहुत ही पुराना चर्च है, और इसमें हम लोगों ने, इसके पीछे एक स्कूल है, सिस्टर्स कॉन्वेंट भी है, और इसके साथ साथ हम लोगों के जो भी यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। इसके इर्द गिर्द सारे जो इलाके हैं वो क्रिश्चियंस इलाके हैं, और आप देखें ऊपर से लेकर हम आपको व्यू दिखाते हैं। ये खूबसूरत चर्च का व्यू है, बहुत बड़ी क्रॉस यहाँ पर सेंटर में इन्होंने बनाई हुई है। ऊपर आपको बड़ी बेल, जिसको हम लोग घंटा कहते हैं, वो है, जिसमें जब ये बेल बजती है तो हमें पता चलता है कि जीसस इज कॉलिंग फॉर प्रेयर। तो फिर हम लोग सारे इकट्ठा होते हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और मिडनाइट प्रेयर में ऑब्वियसली सर्दी ही होगी। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ अंदर आए, हम आपको ये चर्च इनर साइड से भी दिखाते हैं। कम विद मी। बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है, और आप देख सकते हैं। अभी देखिए कि मास हो रही है, मैं आपसे बहुत ज़ोर से तो बात नहीं कर सकती, लेकिन इसकी डेकोरेशन देखिए कितनी खूबसूरत डेकोरेशन है। ऑल्टर को सजाया गया है, फिर उसके बाद पूरे इस तरह चर्च को इन्होंने डेकोरेट किया है, और अभी स्टार्ट होगी। और दूसरी तरफ हम चलते हैं, वहाँ पर सांता क्लॉस भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। मेल साइड पे भी हम लोग विजिट करके आते हैं। प्लीज़ कम विद मी, आप हमें ज्वाइन करें, क्योंकि दुनिया में इतने सारे चर्चेज हैं, यहाँ पर आज एक ही टाइम में इबादत हो रही है। अभी प्रेयर्स हो रही हैं, और आप देखिएगा कि जैसे ही हम दूसरी साइड पे भी जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगी। और अभी इस टाइम पे मिडनाइट प्रेयर्स सारे चर्चेज में स्टार्ट है। आज केक कटिंग होगी, आज सेलिब्रेशन होगी, आज गिफ्ट्स दिए जाएंगे, और हम बहुत मज़ा करने वाले हैं। साथ साथ चलते जाएंगे, और साथ साथ हम लोग इसका व्यू बनाते जाएंगे। और ये लोग यहाँ पर खड़े हैं टू वेलकमिंग, और सबको वेलकम कर रहे हैं, मेरी क्रिसमस कर रहे हैं। और आपके इस चैनल के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सांता जो है बच्चों में गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्रिसमस के मौके पर, और इस खूबसूरत सीज़न पर, ताकि लोग देखें और बच्चे खुश होते हैं, और बच्चे वेट करते हैं, स्पेशली वेट करते हैं इस ओकेजन का कि हमें सांता मिले। थैंक यू सांता, गॉड ब्लेस यू। ये मेल पोर्शन है, और अभी हमारे कैमरामैन अंदर जाएंगे, और वो आपको इधर से भी एक व्यू दिखाएंगे, और उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। और मैं एक प्रेयर भी आपके लिए ज़्यादा पढ़ रही हूँ। यहाँ से हम एक व्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। Thank you.
इस चर्च के बाहर खड़े होकर हम क्रिसमस की ब्लेसिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। जिंदा और कदोस खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज की खूबसूरत खूबसूरत रात के लिए जब तू चरनी में पैदा हुआ ताकि तू हमारे गुनाह को उठा सके। तू दुनिया में आया मुजस्सिम होकर ताकि तू हमें मिले और खुदावंद तू हमारी गलती और खताओं को माफ़ करे। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद जीसस तू ही है जो हमारा अपना है, जो हमारी फिक्र करता है। आज हम तुझे इस धरती पर वेलकम करने के लिए आए हैं। इस चर्च के बाहर खड़े होकर मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रेयर करती हूँ कि ये साल जिस तरह भी गुजरा, आने वाला साल आपके लिए बरकतों का साल हो। आज मिडनाइट प्रेयर पर आपके घर में ब्लेसिंग्स उतरे, जीसस के साथ साथ आपके घर में ब्लेसिंग्स जाए, बहुत सी बरकत जाए, माली बरकतें जाए और रूहानी बरकतें जाए, जिस्मानी बरकतें जाए और आपको ये क्रिसमस बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आने वाला साल आप सबके लिए एक नई खुशियों का साल हो, एक नई सुबह लेकर आए। जीसस क्राइस्ट में हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बाय।